अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ये जो क्लिपिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये कुछ दिन पहले की क्लिपिंग्स हैं। तो इस तरह का कुछ वेदर चेंज हो गया था और सुबह से ही जो है वो धूप बहुत लाइट सी थी, और ये फिर शाम के टाइम, शाम में नहीं मतलब आई थिंक 3:30 के आसपास जो है वो इस तरह से बादल हो रहे थे और थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही थी। लेकिन ऐसा थोड़ी देर था मौसम, फिर शाम में जो है वो अगेन गर्मी स्टार्ट हो गई थी और अगले दिन फिर नॉर्मली धूप जैसा निकलती वैसे निकल गई थी। और चलें, अब इफ्तार बनाने का टाइम हो चुका है, तो फिर इफ्तार की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो चने की दाल को मैंने मॉर्निंग में भिगो कर रखा था, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया एक चूल्हे पर नमक के साथ, और दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दिया है छोले वाले चने, इनकी चाट बननी है वो रख दिए हैं, तो उनको भी मैं नमक के साथ बॉईल कर लूँगी। और दोनों ही चीज़ों को मैंने मॉर्निंग में भिगो कर रख दिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। और ये देखिए, पापड़ मैंने बनाए थे चावल के आटे के, मतलब जो चावल का पाउडर बनवा लिया था और उसके मैंने पापड़ बनाए थे। तो बाहर जो है वो मौसम सही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ डाइनिंग टेबल पर इनको रख लेते हैं। अभी ये गीले हैं, ये देखिए पूरी तरह से ये सूखे नहीं हैं और थोड़े ड्राई हो जाएंगे यहाँ पर। फिर मैं इनको कल मतलब नेक्स्ट डे धूप आ गई थी, तो फिर धूप में मैंने रख दिए थे। और इसमें मैंने ज़ीरा डाला था जो मैंने बैटर तैयार किया था उसमें। और देखते हैं, अब दाल में तो बॉईल आ गया है, तो आज जो चने की दाल मैं बना रही हूँ वो बॉईल करके बना रही हूँ। इससे पहले मैंने पीस कर बनाई थी, तो वो भी मैंने अपने ब्लॉग में शेयर की थी। तो ये देखिए, अच्छे से बॉईल आ गया है। तो बस गल जाएगी, अभी थोड़ी सी और बाकी थी, तो फिर उसको हम रख ले छन्नी में निकाल देंगे। और यहाँ पे पालक के पकौड़े बन रहे हैं आज, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो ये पालक जो है वो मैंने तोड़ लिया, अब इसको कट कर लेंगे। चलिए, पालक जो है वो कट हो गई है, और चेक कर लेते हैं दाल हमारी गली कि नहीं गली। तो दाल जो है वो गल चुकी थी अच्छे से, तो मैंने इसको छन्नी में निकाल दिया है। और अब इसकी जो है वो कटिंग चॉपिंग इसके लिए भी करनी है, क्योंकि इस चने की दाल में जो है वो प्याज भी डलेगी और इसमें चॉप होकर डलेगी प्याज, चॉप कर लेंगे बारीक बारीक, तो वो यहाँ पर मैं कर लूँगी। और ये हरा धनिया कट कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे सभी चीज़ों की कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ, जो पकोड़े बनाने में जो चीज़ें यूज़ होंगी उनकी भी कटिंग मैं कर रही हूँ, और जो चने की दाल बनाने में चने के और जो चनों की चाट बनाने में जो यूज़ होगी उन चीज़ों की भी, तो जो है वो आसानी से हो जाएगा। और ये टमाटर कट कर लेते हैं, तो इनकी मैं सिर्फ स्किन ले रही हूँ ऊपर की, अंदर का पल्प अलग करके रख लूँगी। और फिर ये भी जो है वो किसी चीज़ में काम आ जाता है, किसी रेसिपी में डल सकता है, या तो फिर ये स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आप इन इसके पल्प को जो है वो फेस पे भी लगा के थोड़ी देर 1-2 मिनट मसाज करके वॉश करेंगे, तो स्किन के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलें, अब इसको भी जल्दी से कट कर लेते हैं। तो कटिंग चॉपिंग हो गई, और इसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अब आ रही है बेसन का घोल बनाने की, जो हमारे पकौड़े बनेंगे उसके बैटर की तैयारी करने की। तो सब चीज़ों को अब ऐड कर लेते हैं इसमें बेसन के अंदर।
जो है वो इसमें साबुत ज़ीरा भी ज़रूर डालते हैं, तो साबुत ज़ीरा डालने से भी जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब ये पाउडर्ड मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें डालकर तो इसको अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस बैटर को तैयार करके, क्योंकि मैं 10-15 मिनट रख दूंगी रेस्ट के लिए, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा थिक बना रही हूँ, ताकि पालक का जब पानी भी इसमें रिलीज़ हो तो वो ज़्यादा पतला ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा थिक बनाया है। और चलें इतनी देर में जो है वो हम बना लेते हैं चने की दाल की चाट, और ये तो बहुत ही अच्छी बनती है। और मैंने जो पीस के बनाई थी उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी मेरे इफ्तार के व्लॉग में, तो वो रेसिपी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चने की दाल में बेसिकली नमक, मिर्च, चाट मसाला और उसके अलावा आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीना, जो आप चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं, और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट और टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटीज इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और हम इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने बिल्कुल भी बघार नहीं लगाया, कुछ नहीं, तो मतलब ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, तो बहुत हेल्दी भी है ये। तो चलें ये चाट तो हमारी रेडी हो गई है, इसको करते हैं साइड में। और हमारे जो चने थे वो भी बॉईल हो गए थे, तो उसकी भी चाट बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने चने बॉईल किए थे, तो बस इसकी चाट तैयार कर लेते हैं। तो इसमें भी मैंने वही पाउडर्ड मसाले डाले हैं, चाट का मसाला डाला है, और जो कुछ वेजीज़ जो मैंने चने की दाल में डाली थी वही डाली है। और अब बारी है पकौड़े फ्राई कर लेने की, तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किधर मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, अच्छी खासी गर्मी होती है अब, और लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल उतनी नहीं है। लास्ट ईयर के रमज़ान में, मतलब अप्रैल लास्ट में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अब देखते हैं शायद अब बढ़ जाएगी गर्मी। और ये मैंने प्लेट्स जो है वो लगा दी थी इस तरह से, और फ्रूट्स कट कर लिए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।